सभी का अजय कोचिंग क्लासेस पे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इस चैप्टर कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक्स हमारे दर्पण सूर्य तथा आवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इसके पिछले कुछ वीडियोस पे हमने प्रकाश के परावर्तन, दर्पण तथा दर्पण के प्रकार, चिन्ह परपाटी, काफी सारे हमने टॉपिक्स क्लियर कर रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है दर्पण सूत्र, आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है 1/F=1/V + 1/U। उसके पूछने के दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है दर्पण सूत्र लिखिए, एक दूसरा तरीका होता है कि यू वी एफ में संबंध बताइए। तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि F क्या है, V क्या है, U क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, फिलहाल फिर से बता देते हैं। F बराबर होता है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि जितने ही आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको इसी बेस पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए। इसके बाद देखिए V क्या होता है, V होता है ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ठीक है, की बीच की दूरी। और U का नंबर आया, तो U होता है ध्रुव और वस्तु की बीच की दूरी, वस्तु की बीच की दूरी, की दूरी, ठीक है। तो आप क्या समझ में आया आपको यहाँ पर, कि जो F होता है वो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है, और जो V होता है वो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है, और U जो होता है वो ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी होती है। जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होगा, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं होगा कि F क्या है, V क्या है, U क्या है, तो आप कोई भी इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं आवर्धन क्षमता, कि आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वही कहलाता है आवर्धन। क्या मैं बताया कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसे हम कहते हैं आवर्धन क्षमता, या बोल सकते हैं आवर्धन। और इसको जो शो कराते हैं वो है हमारा स्मॉल एम, इसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं यहाँ पर, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के बीच अनुपात आवर्धन क्षमता या आवर्धन कहलाती है, ठीक है। दोनों तरीके कोई दिक्कत नहीं है, कहलाती, और इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आवर्धन क्षमता M बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, की लंबाई, इन दोनों के बीच जो अनुपात होता है वही होता है आवर्धन क्षमता। और प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मुझे क्या यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई को आई से और वस्तु की लंबाई को ओ से, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, I/O। इसका एक और फॉर्मूला होता है और वो होता है -V/U, ये होता है इसका दूसरा फॉर्मूला। तो आई होप आपको आवर्तन क्षमता भी क्लियर हो गया होगा। आपको डिफ्यूजन रेट की कोई जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि आई क्या है और क्या है,
तो आराम से इसके थ्योरी बना सकते हैं। देखिए कैसे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के बीच जो अनुपात होता है बटे क्या, वो अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो कोई टफ नहीं है एग्जाम में, लेकिन पूछता जरूर है। इन्हें भी हमने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, सारे न्यूमेरिकल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूलाज को आप अच्छे से दिमाग पे रख लीजिए। तो चलिए अब समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसके पहले हमने प्रकाश का परावर्तन समझ रखा है, तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप प्रकाश का परावर्तन नहीं समझेंगे तो आप प्रकाश का अपवर्तन नहीं समझ सकते। तो चलिए समझते हैं, तो समझते हैं कि प्रकाश की अपवर्तनीय घटना किस प्रकार होती है। इसके लिए हम एक पारदर्शी प्रश्न लेंगे, यह हमारा पारदर्शी प्रश्न, और पारदर्शी प्रश्न के लिए हमने बताया था कि ऐसा प्रश्न जिसमें प्रकाश किरण एक पार से दूसरे पार तक जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन, तो आप इतना दिमाग लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश की किरण ही आएगी। तो जैसे हमने पारदर्शी प्रश्न रख दिया, दो माध्यमों में ये डिवाइड हो जाता है, ये हो जाता है माध्यम फर्स्ट और ये हो जाता है माध्यम सेकंड। जैसा मैं पारदर्शी प्रश्न बीच में रख दिया तो दो माध्यमों में ये डिवाइड हो गया, ये हमारा था पहला माध्यम, ये हो गया हमारा दूसरा माध्यम। अब प्रकाश किरण इस प्रश्न पर पड़ती है, प्रकाश किरण क्या होगी, इस प्रश्न पर पड़ेगी। तो प्रकाश किरण में होता क्या है, ये प्रकाश किरण जैसे इस प्रश्न पर पड़ती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है पारदर्शी प्रश्न, और जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है। कैसे भटक जाती है, तो इसके लिए यहाँ पर हम खींच देंगे एक अभिलंब, जिस पॉइंट पर ये पड़ेगा उससे हम एक अभिलंब खींच देते हैं। तो ये प्रकाश किरण को सीधा निकलना चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं निकलती, ये प्रकाश किरण सीधे नहीं निकलती है, ये प्रकाश किरण कभी कभी अभिलंब की ओर झुक जाती है और कभी कभी ये अभिलंब से दूर हट जाती है। समझिएगा, कभी कभी क्या होता है, इसको निकलना चाहिए सीधा लेकिन सीधा नहीं निकलती, कभी कभी ये अभिलंब की ओर झुक जाती है और कभी कभी अभिलंब से दूर हट जाती है। और ये कभी कैसा होता है, तो अभी हम समझेंगे कि कब अभिलंब की ओर झुकती है और कब अभिलंब से दूर हटती है। तो आपको इतनी बात समझ में आई, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या बोल सकते हैं भटक जाती है, उसको जाना चाहिए सीधा लेकिन सीधा ना जाके वो अभिलंब से कभी दूर हट जाती है और कभी पास में आ जाती है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन की घटना कहते हैं। तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर, जब कोई प्रकाश की किरण कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब क्या होगी, भटक जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप आपको ये घटना आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद आती है नियम की, कि सर इसके नियम कितने होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो जिस प्रकार हमने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम समझे थे, इसके भी दो ही नियम होते हैं। पहला नियम जो प्रकाश का परावर्तन को होता है वही इसका भी होता है, लेकिन दूसरे नियम में काफी चेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर पहले किरणों का नामकरण कर लेते हैं, तो फिगर को थोड़ा अच्छी तरीके से बना लेते हैं, इसको अरेंज करके, इसको हम अरेंज कर दिया और अच्छा साइड में बना लेते हैं, जिससे हमें नियम लिखने में आसानी रहे। तो ये फर्स्ट था, इसमें प्रकाश किरण आई और ये टकराकर इधर विचलित हो गई, और ये हमें खींच दिया अभिलंब। ठीक है, ये क्या खींच दिया हमने, अभिलंब। अब इसका नामकरण करने के लिए जो किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण। प्रकाश के अपवर्तनीय घटना को समझा है तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपतित किरण हो गई,
और इसे बोलते हैं हम अभिलंब। क्या है ये हो जाता है अभिलंब। अब यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो लास्ट किरण जो होगी वो किरण हो जाएगी अपवर्तित। इसी के नाम पे लास्ट वाली किरण का नाम पड़ता है, तो ये अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर लास्ट जो किरण आएगी वो हो जाएगी अपवर्तित। क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आपकी किरण आती है या जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम कह देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। ये हुआ हमारा पहले नियम के लिए। तो चलिए पहले नियम लिख देते हैं। दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, होते हैं। पहला जो नियम होता है वो होता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर समझिएगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये तल एक ही तल है कि नहीं, अलग अलग तो तल है नहीं इनके। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम के लिए आपको थोड़ा सा और नामकरण करना पड़ेगा। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। ये जानते ही होंगे आप, आपतन कोण जिसे हम आय से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इसे दिखाते हैं हम आर से। इतना हो गया। अब हमें बनाना है इसका दूसरा नियम। भाई जो पहला नियम था वो जितना भी आपको बाहर दिखा आपने उसको पहले नियम में रख दिया, अब जितना आपको अंदर दिख रहा है वो हमारा आ जाएगा दूसरे नियम में। दूसरे नियम क्या होगा चलिए समझिए। आपतन कोण की ज्या, अगर सर ज्या क्या होता है तो ज्या होता है साइन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ज्या। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, समझिएगा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नीतांक होता है। क्या होता है? एक नीतांक होता है, और यही होता है अपवर्तन का दूसरा नियम। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्नेल का नियम क्या होता है, तो आपको इसी अपवर्तन के दूसरे नियम को बता देना है। तो चलिए लिखिए यहाँ पर आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या जिसे हम लिख सकते हैं साइन आई, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के बीच अनुपात, के बीच अनुपात एक नीतांक होता है, एक नीतांक होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसा कि आपने दूसरे नियम में लिखा वैसे कर देंगे इसको हम, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, और एन होता है नीतांक। साइन आई और साइन आर के बीच जो नीतांक निकल के आया है वो हो जाएगा हमारा एन। तो एन बराबर आप लिख सकते हैं नीतांक, और इस नीतांक को हम बोलते हैं अथवा अपवर्तनांक, ठीक है। क्या होता है? अपवर्तनांक, ठीक है। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको अपवर्तन के दूसरे नियम को, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों टॉपिक्स, चाहे वो दर्पण सूत्र हो या अपवर्तन हो या प्रकाश का अपवर्तन हो, आपको तीनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले याद रखिए यदि वीडियो आपको पसंद आए करे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।